हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी। आज हम बात करने जा रहे हैं, कल हमने एक ऑपरेशन किया एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का, यानी कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी यानी बच्चा ट्यूब के अंदर लग गया और ट्यूब फट गई। उसके बाद पेट के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, महिला को इमरजेंसी में ला के भर्ती कराना पड़ा और उसकी इमरजेंसी में वो जो ट्यूब थी जो फट गई है उसको निकालनी पड़ी। क्यों? क्योंकि मरीज़ की जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मरीज़ का सवाल ये था हमारे पास कि उसके जो दूसरी ट्यूब है वो नॉर्मल है या नहीं है। वो हमने दूरबीन के द्वारा चेक करके उनको बताया कि ट्यूब बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, ब्लॉक भी नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जो नॉर्मल ट्यूब है उसमें दोबारा से प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी कि प्रेगनेंसी जो अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी वो भी क्या एक्टॉपिक होने की संभावना है, या ट्यूबल प्रेगनेंसी या नली में दोबारा प्रेगनेंसी लगने की कितनी संभावना है। तो ये क्वेश्चन बहुत जायज़ है और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको एक ट्यूब के अंदर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हुई है तो डेफिनेटली दूसरी ट्यूब में भी संभावना है, और ये रिस्क 25% तक होता है। यानी कि एक ट्यूब में प्रेगनेंसी होने के बाद दूसरी ट्यूब में प्रेगनेंसी एक्टॉपिक होने के चांसेस 25% तक होते हैं। तो यानी कि अब आपको बहुत ध्यान रखना है, जब भी आप दोबारा प्रेगनेंसी प्लान करते हैं डॉक्टर के टच में रहना है। जैसे ही आपको पता लगता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है यानी कि आप प्रेग्नेंट हैं, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, तुरंत अपनी सोनोग्राफी आप करवाइए। और अगर ये पता चलता है कि बच्चा ट्यूब के अंदर लगा है तो उसके फटने से पहले ही उसका ट्रीटमेंट ले लें, क्योंकि जब भी ट्यूब फट जाती है तो बहुत इमरजेंसी हो जाती है, पेट के अंदर काफ़ी ब्लड भर जाता है, कई बार जानलेवा स्थिति हो जाती है, मरीज़ डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाता, हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाता, कई बार डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाता, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है, और कई बार हमें मरीज़ खोना पड़ जाता है। हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम रोक नहीं सकते। क्योंकि मरीज़ का दूसरा सवाल हमसे ये था कि अगली बार मेरी ट्यूब में प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा कोई इलाज नहीं है, ऐसी कोई गोली नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जिससे कि दूसरी ट्यूब के अंदर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को रोका जा सके। हम सिर्फ सावधानी रख सकते हैं, अगली प्रेगनेंसी के लिए पहले से कॉन्शियस रह सकते हैं, जल्दी टेस्ट करवा सकते हैं, और ट्यूब फटने से पहले अपने को अगर ये पता हो कि ट्यूबल एक्टॉपिक है यानी कि प्रेगनेंसी ट्यूब के अंदर लगी है, तो मिथोट्रेक्सेट के इंजेक्शन लगते हैं, 3 या 1 सिंगल इंजेक्शन लगता है, उसके बाद में बीटा एससीजी टेस्ट होता है, और जैसे जैसे लेवल डाउन आता है उसके हिसाब से हफ्ते में 1 या 2 बार इस इंजेक्शन को रिपीट किया जाता है और सर्जरी से बचा जा सकता है। तो अगर आपको एक टॉपिक प्रेगनेंसी है या कई नॉर्मल प्रेगनेंसी भी है, यानी कि अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो डेफिनेटली वो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है या एक टॉपिक हो सकती है, तो इसके लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लेकर सोनोग्राफी ज़रूर करवा लें और ये कंफर्म कर लें कि कहीं एक टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। जल्दी में अगर आपको पता चल जाता है बहुत ही अर्ली स्टेज में तो डेफिनेटली मेडिकल ट्रीटमेंट है, और अगर ये ट्यूब फट जाती है या साइज़ 4 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है या धड़कन आ जाती है बच्चे के अंदर तो फिर दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, फिर आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी और कई हद तक ट्यूब को निकालना ही पड़ता है, क्योंकि वो ट्यूब डैमेज होती है, ख़राब होती है, तभी उसके अंदर बच्चा लग जाता है, नहीं तो बच्चा बच्चेदानी में पहुंचकर बच्चेदानी के अंदर ही इम्प्लांट होता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी है, आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें और अपनी सोनोग्राफी करवा कर ये कन्फर्म कर लें कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर ही लगा है, और फिर आप आराम से अपनी प्रेगनेंसी का आगे ध्यान रखिए। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।